जैसे ज्ञापन दिया है। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज हम लोग यहाँ एसपी साहब के पास ज्ञापन देने आए हैं और एफआईआर दर्ज कराने आए हैं वर्तमान मुख्यमंत्री की के पक्ष में, क्योंकि जिस तरह कमलनाथ जी अभी हमारे मध्य प्रदेश की जनता का ध्यान रख रहे हैं, कोरोना को लेकर इतने चिंतित हैं, लगातार वो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, तो शिवराज सरकार को ये हजम नहीं हो रहा। उनको लग रहा है कि कैसे इनको ये आंकड़े को गलत साबित किया जाए, इस कारण वो उनको एफआईआर कराने के लिए सबसे बोल रहे हैं। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति सही बोल रहा है, सच की लड़ाई कर रहा है, तो पूरा कांग्रेस कमेटी इसके लिए एकजुट है, पूरे मध्य प्रदेश की कांग्रेस और पूरे देश की कांग्रेस समय एकजुट है। और साथ ही मुझे लग रहा है दमोह में जो उपचुनाव हुआ है उसकी जीत को लेकर भी शिवराज सरकार डरी हुई है और इसको लेकर वो लगातार कमलनाथ जी को घेरने का काम कर रही है। पर मैं शिवराज जी से कहना चाहती हूँ कि आपका इस तरह का ये जो बर्ताव ये नहीं चलेगा। अब पूरे देश की और प्रदेश की जनता आपको जान चुकी है और अगर कमलनाथ जी पर एफआईआर दर्ज होती है तो शिवराज जी पर भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। इस मांग को लेकर आज हम पूरे कांग्रेस कमेटी के लोग हमारे विधायक अजय टंडन जी के साथ यहाँ पर आए हुए हैं।